रॉकी बोलो ना जल्दी, व्हाट्स हैपेंड? मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए था, वो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज वो नवरात्रि का नीचे गरबा होने वाला है ना, तो सोच रही हूँ वो चनिया चोली लूँ। मेरा कार्ड तो हमेशा तुम्हारे पास रहता है। या तुमने मेरे पास दिया था पर वापस ले लिया है। ओ या शायद मैं निकाल लिया था तुमसे। या ये लो। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाऊँगी, बस थोड़ा सा उड़ाऊँगी। ये देखो रॉकी, मैं तुम्हारे बड़े भाई के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ। ये प्यार प्यार हम करते हैं पर उसमें तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, प्यार प्यार के चक्कर में दिन भर हमारे जेब से कितने पैसे खर्च होते हैं उसका हिसाब रखना। दूसरी चीज़, हमेशा खुद ही घूमने के लिए मत निकलना, कभी उनकी तरफ से भी आने दो। हम ही घूमने जाते हैं और फिर पैसे भी हमारे ही जाते हैं। That's right. तीसरी और आखिरी चीज, कभी शादी मत करना। What? चंपा जी आप यहाँ पे ऊपर आइए। चंपा जी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? वैसे तो कभी आती नहीं सोसाइटी में, आज अचानक आ गई, शायद मुझसे कुछ बात करनी होगी। क्या बात है चंपा जी, आज आप सोसाइटी में आ गई, मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे बताती मैं आता हॉस्पिटल आपसे मिलने, कोई ज़रूरी बात है? चंपा जी जोया, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? जोया ऊपर कहाँ जा रही हो? जोया क्या बात है जोया, तुम ऊपर आ गए? जोया कुछ बात करनी है तुमको? जोया किसी ने कुछ बोला क्या तुमको? जोया हेलो, जोया हेलो शर्वरी, हो गई डांस क्लासेस? हाँ अभी हो गए, मैं भी अभी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, सोचा नवरात्रि है देखती हूँ मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अच्छा मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है, वो औरत सुबह आके क्या क्या बोल के चली गई, वो बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। शर्वरी जो भी सुबह हुआ मुझे भी ऐसे लगता है हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। अभिजीत बराबर बोल रहा था। तुम ठीक कह रहे हो जोया, हमें इन सब बातों को भूल जाना चाहिए और नवरात्रि का त्यौहार धूमधड़ाके से मनाना चाहिए। क्या हुआ है? फोन ही ले लग रहा हूँ उनका। फोन नहीं लग रहा? पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, एक तो वो सुबह औरत क्या क्या आके बोल के चली गई है, सोसाइटी के सारे मर्द गायब होने वाले, और वे कस्तु गायब भी हो गए। क्या हुआ श्रेया? इसको क्या हो गया अब? विकास का सजमा लग गया होगा। हाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। पता नहीं अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहे, अभी तक तो उनका फोन चालू था, अभी लग ही नहीं रहा। तेरी वजह से बंद कर दिया होगा फोन, तू बार बार उसको डिस्टर्ब कर रही है, काम नहीं करने दे रही। आ गया मेरे ऊपर, आपको क्या कहना है, सबकी जिम्मेदारी में हूँ। बहुत जल्दी समझ आ गया तुझको। वाह, नहीं मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मत कर, I am also not interested in talk with you. इतना वाइपर क्यों हो रही है? वाइपर नहीं वो हाइपर होता है, हाइपर। हाँ हाइपर। I know that it's hyper, but you are doing like this. That's why I call you wiper.
बारिश नहीं हो रही अभी हाँ, बंद कर अपना वाइपर। मुझे पता है आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है और उसके लिए आप लोग क्लटरिंग भी करते होंगे और ये काफी अच्छी बात है, पर आपको पता है थोड़ा सेफ साइड में रहने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तो आज मैं आपको एक क्लटरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन की शुरुआत 2007 में हुई थी। जैसा ही ऑब्जेक्टिव है कि हर एक ट्रेडर को मोस्ट एडवांस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिले। पॉकेट ऑप्शन में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो हर मंथ $850 से भी ज्यादा की इनकम जनरेट करते हैं। ये 95 देशों में अवेलेबल है और इंडिया में भी आता है। पॉकेट ऑप्शन के सबसे बेस्ट फीचर की बात करें तो इसमें आपको 100 से भी ज्यादा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, और ये आपको मिलता है 50+ डिपॉजिट मेथड लाइक फोन पे, UPI, वीजा, रुपी पेमेंट एंड मेनी मोर, जिसमें आपको 0% कमीशन देना है ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल और सिर्फ $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और वन ऑफ द फीचर जो इनको सभी से अलग बनाता है वो है S5 फीचर, जिसमें आपको मिलता है 20% फास्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। और अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जस्ट टेक आउट देयर डेमो अकाउंट जिसमें आपको मिलता है $10,000 और यू कैन एक्सपीरियंस देयर फीचर एंड स्टार्ट योर ओन इन्वेस्टमेंट एंड अर्न। पता नहीं कहाँ रह गए, फोन करके बोला था मैंने जल्दी आ जाइए, इधर धक 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 कर रहा है कब से मेरा मन दिल। क्या हुआ शर्मिला, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ श्रेया के पापा का, अभी तक नहीं आए वो ऑफिस से। अभी तक नहीं आए क्या वो? नहीं ना, रोज 5 बजे आ जाते, आज पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। शर्मिला डरो मत, आ जाएंगे वो। हाँ बस जल्दी से आ जाए, एक तो वो और सुबह क्या बोल के चली गई है, अब डर लगने लगा है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, एक काम करती हूँ मेरा नुस्खा अपनाती हूँ। हाँ नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, इतना टेंशन क्यों ले रही है? ससुर जी भी नहीं आए ना अभी तक? हाँ 5 बजे गए थे सुबह, अभी तक नहीं आए। अभी शाम होने को आई, कहाँ गए वो? मिल गया होगा उनको कोई अपना दोस्त, उसके साथ बातें कर रहे होंगे, मुझे पता है उनकी आदतें। आप इतनी बिंदास कैसे हो सकती हो? थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, मैं किसी का टेंशन ही नहीं लेती, आई एम एकदम टेंशन फ्री। सोशो क्या है? पहनो। मैं पहनू ये? हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुमो, क्या बोल रही हो तुम मुझे? ये देखो मेरा सब कुछ ठिकाने पे है, पर तुमको अभी इसकी जरूरत है। किस बात की जरूरत? सुबह औरत आके चली गई है और उसने चेतावनी भी दी है कि सोसाइटी के सारे मर्द गायब होने वाले हैं, तुम इसको पहन के बैठो फिर तुमको कोई नहीं उठाएगा। सुमो मैंने तुमको पहले कहा है मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। श्रेया के पापा गायब हो गए हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ वो 5 बजे आ जाते हैं घर, अभी देखो ना शाम के 6 बज रहे हैं फिर भी नहीं आए। शर्मिला बहुत परेशान हो गई थी, मैं नहीं चाहती मेरा ब्रांडेड पति गायब हो जाए। सुशी इसको पहले पहनो, पहनो इसको। ओके ओके सुमो मैं ये पहनता हूँ। ईबा मामे सुमो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता नहीं और का का देखने को मिलने वाला है इस घर में। अब तुमको कोई गायब नहीं कर सकता। चलो अभी इसका तो ठीक है, पर अगर तुझको मर्द समझ के उठा के ले गए तो? मुझसे पहले कोई आपको ही ना उठा ले। मेरी सब बनो किरानी कब आए? हेलो आप सोसाइटी में नहीं आई हो क्या? मैं चाचा, वैसे मेरा नाम अलग है पर सब मुझे चाचा जी बोलते हैं। आई एम राइट नाउ सिंगल, रेडी फॉर शुभ मंगल। आपको कैसे पता? ए सुन रे क्या हुआ माओ में? जा हमरे बादाम ला। खत्म हो गए आपके बादाम? हाँ खत्म हो गए हमरे बादाम, ज्यादा ठीक है मैं जाता हूँ लाना। अरे सुशील वो सिर के ऊपर का निकाल, गंदा दिख रहा है वो। तुम उन्हें कहा ये पहन के रखो? कुछ नहीं होता, निकाल दे वो। मामी पर अगर उसको पता चल गया तो? सुमो की बड़ी चिंता है, जब लव मैरिज करके उसको घर में घुसाया था तब तो हर माँ की चिंता तुझको नहीं हुई? मुके चिंता
अनुष्का क्या कर रहे हो आप? तुमको कुछ चाहिए? ऐसा क्या कर रही थी अनुष्का?